एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट यूजी रिजल्ट के बारे में। नीट यूजी रिजल्ट 2021 के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आंसर शीट जो है ईमेल पे डायरेक्टली भेजी गई स्टूडेंट्स को, एंड अभी तक ऑलमोस्ट जो है 50% स्टूडेंट्स से भी कम जो बच्चे हैं उनको रिजल्ट अभी तक NTA की साइड से जो है भेजा गया है 2 दिन के अंदर अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर लैकिंग रह रहा है, कितना यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिविजुअली किसी के पास, हर किसी के पास आंसर शीट जो भेजना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, बट फिर भी यहाँ पर NTA ने ऐसा किया एंड इस वजह से बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है एंड अभी भी OMR सीट बच्चों को रिसीव नहीं हुई है। तो बात करेंगे रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट से रिलेटेड काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। NTA ने क्या बड़ा अनाउंसमेंट किया वो जानेंगे। तो NTA ने मेक्स अ बिग अनाउंसमेंट फॉर द कैंडिडेट्स ऑन OMR सीट। तो OMR सीट से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, उसके साथ साथ रिजल्ट को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। चलो जान लेते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। NTA सेड दैट द स्कैंड कॉपी ऑफ OMR आंसर सीट ऑफ द कैंडिडेट्स, जो OMR रहेंगी वो उसके साथ साथ अलोंग विद द रिजल्ट विल बी सेंड ऑन द ईमेल टू द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। तो जो भी आप लोगों ने ईमेल एड्रेस जो दे रखा है उसी ईमेल एड्रेस पर आप लोगों को रिजल्ट भी भेजा जाएगा। रिजल्ट जो है इस बार ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाएगा, NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसे कि हर साल होता था, जैसे कि AIPMT में होता था, एंड वैसे इस बार नहीं होने वाले। इस बार जो रिजल्ट रहेगा वो अपना रहने वाला है ईमेल के थ्रू। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होगा एंड इसके साथ साथ NTA ने ऐसा कर दिया ये कि बहुत ही ज़्यादा गलत किया गया है, बिकॉज स्टूडेंट अभी तक OMR को नहीं भेजा गया है। 2 दिन से यहाँ पर प्रोसेसिंग में है एंड चल रहा है, अभी तक स्टूडेंट के पास OMR नहीं आया है। तो इंडिविजुअल के पास जो है रिजल्ट भेजना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप लोगों से भी मैं यही अनुरोध करूंगी कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं एंड यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। NTA को जो रिजल्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपलोड करना चाहिए, उससे एक सुटेबिलिटी यहाँ पर मेंटेन होगी, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को ये सही लगता है कि रिजल्ट को भी ऐसे ही ईमेल आईडी पे भेजा जाना चाहिए। अगर ऐसे ही ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा तो कितना समय यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। तो ज़रूर अपना जो रिव्यू है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।